हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा ड्रग अब्यूज़। हमने किसके बारे में करना है? ड्रग्स अब्यूज़। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें कि ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स ऐसे केमिकल होते हैं जो हम नॉर्मली किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मेडिसिन है उसको हम ड्रग बोल सकते हैं। अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज़ करें, जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हम उतनी यूज़ करें, उसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मली ड्रग बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसे केसेस में जिसमें डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी है, ठीक है, विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर कोई ड्रग यूज़ किया जाए, अनलिमिटेड टाइम में यूज़ किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज़। जो एक्सेस में यूज़ किया जाए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। अब ऐसा होता है, कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं, आगे हम टाइप्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जो बंदे को हैबिचुअल बना देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या बोलेंगे या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ड्रग्स अब्यूज़। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉजेज या रीजंस क्या हैं, ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ड्रग्स अब्यूज़ देखने को हमें मिलता है। देखो, सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंटल यूज़। एक्सपेरिमेंटल यूज़ का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई ग्रुप है लड़कों का या लड़कियों का, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक ड्रग ले लिया जिससे या नींद आने वाला बोल दो या कोई भी ऐसा ड्रग उन्हें बोल, वो क्या करते हैं, चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सारी टेबलेट्स को भी छोड़ो, अगर सिगरेट की बात करें, टोबैको की बात करें, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इस तरह करते करते वो क्या हो जाते हैं? एडिक्ट हो जाते हैं। और जब एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको फिर वो छूटती नहीं आदत, ठीक है, बुरी आदत डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहला रीज़न क्या रहता है? एक्सपेरिमेंटल यूज़। उसके बाद प्लेजर, ठीक है, कुछ एक लोग क्या करते हैं प्लेजर के लिए, ठीक है, नींद आ जाए अच्छे से, मज़ा आ जाए, मतलब सारी टेंशन खत्म हो जाए, उस प्लेजर को अटेन करने के लिए ड्रग्स को यूज़ करते हैं। देन पीयर प्रेशर, मतलब अगर 10 बंदों का एक ग्रुप है उसमें दो बंदे ड्रग्स ले रहे हैं, वो अपने सारे फ्रेंड्स को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि आप भी ड्रग्स को यूज़ करो, इसका बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब अपने हिसाब से वो मोटिवेट करते हैं। और आपने देखा होगा जो फ्रेंड्स मोटिवेट करते हैं उसमें लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बाकी फैमिली के कंपैरिजन। फैमिली कुछ भी बोलती रहे वो उतना इफेक्ट नहीं करती, फ्रेंड्स का जो भी बोलना इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पीयर प्रेशर। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस और पेन। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, पेन है, ठीक है, वो ऐसी ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी एडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ब्रोकन रिलेशन जो आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्रेकअप के टाइम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो चीज़ें भूली जाएँ, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने करनी है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं मेन, एक है साइकोट्रॉफिक, दूसरी है साइकोडेलिक। जो साइकोट्रॉफिक हैं इसमें फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे ट्रैंकलाइजर्स हैं, सीडेटिव्स हैं, ओपिएट हैं और स्टिमुलेंट्स हैं। और दूसरे जो साइकोडेलिक हैं उसमें एलएसडी आता है और प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें साइकोट्रॉफिक ड्रग्स की, पहले ये कौन से हैं? मूड चेंजिंग ड्रग्स, मतलब जो बंदे के मूड को चेंज करते हैं। अगर कोई बड़ा दुखी है तो उसके मूड को क्या करेंगे, कामनेस उसको प्रोवाइड करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैंकलाइजर्स या साइकोट्रॉफिक ड्रग्स। ठीक है, अब साइकोट्रॉफिक में जो साइको वर्ड है उसका मतलब है ब्रेन। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्ट जाके ब्रेन को इफेक्ट करें उनको हम क्या बोलेंगे? साइकोट्रॉफिक ड्रग्स। ठीक है, साइकोट्रॉफिक ड्रग्स में जो पहली कैटेगरी है ट्रैंकलाइजर्स। ट्रैंकलाइजर्स क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, टेंशन को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं। एंग्जाइटी क्या होता है, कभी कभार ना ऐसे दिल घबरा रहा होता है, ठीक है, उस चीज़ को कम करते हैं और हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और कामनेस को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। नॉर्मली डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, जिस बंदे को अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर हम यूज़ करेंगे तो ये हमें एडिक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक ही एग्जाम्पल मैंने लिखी है, बेंजोडाइएज़ेपिन जो है इसकी एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने। देन उसके बाद है सीडेटिव्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स ये क्या कराते हैं, हमारे ब्रेन में जाके डीपोलराइजेशन करा देंगे। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन में आयंस एक्सचेंज होते रहते हैं, उसी की वजह से स्टिमुलस जो है बॉडी के एक्सचेंज होते हैं, मतलब हमारी बॉडी से स्टिमुलस ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से वापस हमारी बॉडी में आएगा। लेकिन ये ड्रग्स जो हैं डीपोलराइजेशन करा देते हैं, आयन एक्सचेंज को स्टॉप कर देते हैं, और जब आयन एक्सचेंज रुक जाएगा तो हमारी ब्रेन की प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, नर्व फाइबर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली अगर डॉक्टर्स की बात करें तो स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो स्लीपिंग पिल्स की आपने देखी होगी, अगर एक बार कोई स्लीपिंग पिल यूज़ करे तो उसकी आदत हो जाती है, उसके बगैर नींद ही नहीं आती। ठीक है, देन है ओपिएट नार्कोटिक्स।
अब ये ऐसे वाले ड्रग्स हैं, ये सबसे ख़तरनाक वाले ओपिएट नारकोटिक्स जो हैं, सबसे ख़तरनाक वाले होते हैं। ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा क्या गुना देते हैं, डिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। बंदा पूरा इन पे डिपेंड हो जाता है। और ये करते क्या है, हमारी टेंशन को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को कम करेंगे, और लेथार्जी को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। लेथार्जी पता क्या होता है, सुस्तपन, बंदा सुस्त हो जाता है, कहाँ पड़ा रहे, सोया रहे, कोई पता नहीं चलता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी को डिपेंड करवा देते हैं, ठीक है। अब ओपिएट नारकोटिक्स में फर्दर हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, ओपियम है, मॉर्फिन है, हीरोइन है और स्मैक है। अब अगर इनकी पर्टिकुलरली हम बात करें, ये जो ओपियम और मॉर्फिन है, ये यूज़ किया जाता है पेन को रिड्यूज़ करने के लिए। अब पेन कहीं पे भी हो सकता है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो पेन जब रिड्यूस होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में क्या आ जाता है, लिथार्जी, मतलब सुस्तीपन आ जाती है, आराम से नींद आ जाती है। तो उस नींद को या उस प्लेजर को अटेन करने के लिए ये लोग एक्सेस में यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी बात करें, पॉपी प्लांट एक होता है जिससे ये क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसका लेटेक्स, उसका छिलका, उसके सीड जो हैं वो भी यही काम करते हैं, उसका लेटेक्स, उसका एक फ्लूइड निकलता है, वो सारा कुछ जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा बड़ी सारी वो होती हैं, जब ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं ड्रग्स, ठीक है, वो आपने देखा होगा छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वाइट कलर का वो होता है, पाउडर होता है, या फिर ब्राउन कलर का पाउडर, ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्मैक जो है सबसे ख़तरनाक होता है, स्मैक और हीरोइन, ठीक है। अगर इनकी बात करें, ये चारों कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। काम इनका एक्चुअल में क्या होता है, पेन रिलीफ करना, लेकिन इनको क्या यूज़ किया जाता है, इनको एक्सेस में यूज़ किया जाता है, इनको एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा लोग, बच्चे क्या करते हैं, लड़कों मोस्टली देखे हैं, आपने कभी वीडियो देखी होगी, टेबल पे या किसी भी जगह पे वो पाउडर रखते हैं, उसको इनहेल करते हैं, पूरा नाक से इनहेल करते हैं, ठीक है। या फिर क्या किया जाता है, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन्स लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको अगर इसका तरीका बताऊं, नॉर्मली जो, क्योंकि बेनिफिशियल ही है, एक्सेस यूज़ ना किया जाए, नॉर्मल यूज़ किया जाए तो बेनिफिशियल होता है, इसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसको अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, हीट किया जाता है, देन इंजेक्ट किया जाता है। अगर वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो ड्रगिस्ट होते हैं वो इतना प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, उनके पास उतना सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, वो ऐसे ही चम्मच में लेते हैं, पानी डालते हैं और ये ड्रग्स लेके उनको हीट करते और डाल देते हैं, इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनका गलत यूज़ करना, एक्सेस यूज़ करना उनकी डेथ कॉज करवा सकता है। आपने कई बार सुना होगा डेथ हो जाती है, हमारे आसपास कई सारी डेथ्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि बंदा ड्रगिस्ट था, बंदे ने इंजेक्शन लगाए, पास पड़े होते हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, तो वो बार बार एक ही इंजेक्शन सिरिंज जो है, एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ करते हैं, उस वजह से भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर एक प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो ये हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जो ड्रगिस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी यूज़ करेंगे, तभी तो वो ड्रगिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये क्या करते हैं, बंदे को एडिक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसमें वाइट कलर का आता है पाउडर, ब्राउन कलर का पाउडर आता है, इंजेक्टेड फॉर्म में, टैबलेट, सारा कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। डिपेंड, अब मुझे इसकी पता नहीं कि कौन सी कैटेगरी अच्छी है बुरी है, वो मुझे खास पता नहीं, मतलब टैबलेट्स होती हैं, मैंने जो देखी हैं टैबलेट्स हैं, फ्लूड होता है, ब्राउन और वाइट पाउडर होता है, ठीक है, जिसको ये कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है, स्टिमुलेंट्स। अब जो स्टिमुलेंट्स है ये हमें ये सिडेटिव्स के बिल्कुल अपोजिट है। स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को इनक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हमारे इनमें पर्टिकुलरली कैफीन आती है, कोकेन आती है और एम्फेटामाइन आती है। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये कैफीन जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है, कॉफ़ी हर किसी ने पी है। और कॉफ़ी का क्या सीन होता है, कॉफ़ी कैसे लोग कंज्यूम करते हैं, अगर किसी के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो हम कॉफ़ी लेते हैं ताकि नींद ना आए, ठीक है। तो हमारी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, हमें जागने की कैपेसिटी देती है, ये स्लीपनेस को इंड्यूस नहीं करते, ये हमारी जागने की कैपेसिटी को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, अगर नॉर्मल भी यूज़ करो तो हर बंदे को आदत हो जाती है कॉफ़ी पीने का, बार बार मन करता है, ठीक है। उसके बाद कोकेन और एम्फेटामाइन जो है, ये जो दो पर्टिकुलर हैं ये मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने नाइट में मोस्टली ट्रैवल करना होता है, तो इसलिए ये पर्टिकुलरली वो यूज़ करते हैं अपने आप को जगाने के लिए, ताकि वो आराम से अपना काम कर सकते हैं या ट्रक वगैरह ड्राइव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, साइकोडेलिक, ठीक है। साइकोडेलिक वाली जो है, ये इनको हेलुसिनोजन बोलते हैं। आपने हेलुसिनेशन देखा है, जब वो आंखों के आगे वो एक हेलुसिनोजन वाला टाइप का होता है, उसको रोटेट किया जाता है और बंदा सारा कुछ भूल जाता है, अपने हिसाब से वो कुछ बोलने लगता है। तो ये हेलुसिनोजन्स होते हैं, डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे कंट्रोल करते हैं और हमारी परसेप्शंस को इनक्रीज़ करते हैं, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हम वो बोल रहे होते हैं,
जैसे इसका मैं बताती हूँ, जो LSD है, LSD ड्रग है, ये एक ऐसा केमिकल है, ये भी प्लांट से ही ड्राइव होता है, पर्टिकुलरली फंगस से ड्राइव होता है, ठीक है। फंगस से ड्राइव होता है, हमारे ब्रेन पे जाके इफेक्ट करेगा और हमारी सेंसेस को चेंज कर देगा। जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, लेकिन जो ये लोग ये वाला ड्रग कंज्यूम करते हैं वो बोलते हैं हम आंखों से सुन रहे हैं, ठीक है, हम डिफरेंट कलर्स को देख नहीं रहे, हम डिफरेंट कलर्स को सुन रहे हैं, ऐसे वाली इनकी हालत हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करता है और उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और ये मोस्टली वही यूज़ में, जैसे बताया था ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ये वो यूज़ करते हैं, ठीक है, LSD जो ड्रग है। उसके बाद अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट, प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट की बात करें, ये भी हमारे पास, इसमें आता है हमारे पास गांजा, भांग, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, इसमें भांग आता है, गांजा आता है, चर्स वगैरह जो सारा कुछ किस में आता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट में क्या क्या आएगा, भंग आएगा, गांजा आएगा और चर्स आएगा, ये हेम्प प्लांट से डिराइव होते हैं। और इसमें क्या होता है, डिराइव करके इसको इनहेल भी करते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ड्रग्स भी क्या करती हैं, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, और बाकी यूरिनेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। टोबैको वगैरह भी इसी में आती हैं, ये क्या किया जाता है, इसको पाउडर बनाया जाता है इसका, और इसको भी स्मोक किया जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से भी काफ़ी एडिक्ट हो जाता है बंदा और डेंजर में आ जाता है, खतरा हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट पे आती है हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम किस तरह से ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करें। आपने देखा होगा आजकल हर जगह हर स्कूल में जाके कैंप्स लगाए जाते हैं, बच्चों को अवेयर किया जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, मतलब टीनेजर्स होते हैं, वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो बड़े हो जाते हैं वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन अपने तरीके से यूज़ करते हैं, उनको इफेक्ट ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं जिनको कोई तरीका पता नहीं होता, जिनको क्वांटिटी का पता नहीं होता, एक्सेस में यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिवेंटिव मेज़र या कंट्रोल मेज़र है, हमने क्या करना है, पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है। ऐसा ग्रुप जो ड्रगिस्ट हो, चाहे वो सिगरेट बीड़ी पीता हो, उससे खुद को दूर रखना है, अगर खुद की जान बचानी है तो, ठीक है, उससे खुद को दूर रखना है। देन अवॉइड बैड कंपनी, वही बैड कंपनी को अवॉइड करना है। उसके बाद अगर पेरेंट्स को बच्चों में ऐसे सिम्टम्स दिखें, मतलब सिम्टम्स क्या, एकदम से एग्रेसिव हो जाना, एक्सेसिव एग्रेसिव हो जाना, ठीक है, और आगे पीछे चीज़ें फेंकना, कुछ ढूंढना, ऐसे वाले अगर फीचर्स दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, तो पेरेंट्स उसको क्या करें, कंसोल करें, पेरेंट्स उसको पूरा ट्रीट करवाएं, प्रॉपरली ट्रीट कराएं। मेन चीज़ जो है काउंसलिंग मैटर करती है, ताकि क्या हो, उस बच्चे को अच्छे से समझाया जाए, उस बच्चे को इससे दूर रखा जाए, ठीक है। एजुकेशन तो बहुत मैटर करती है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन हर एक चीज़ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही हेल्प करती है उन बंदू को ड्रग अब्यूज़ या ड्रग से पीछे हटने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल हेल्प ली जाती है, लास्ट जो, जब कोई तरीका नहीं बचता, मेडिकल हेल्प ली जाती है। साइकेट्रिस्ट आजकल अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, पूरा ब्रेन को स्टडी करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आज हम यहीं तक रखते हैं, कहीं पर भी कन्फ्यूजन हुई आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।